न्यू कैमरा हिंदी में दोस्तों आपका स्वागत है और आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ निकॉन के Z7 कैमरे का। खास बात यह है कि अभी मैंने इसमें FTZ माउंट एडेप्टर लगाया हुआ है और निकॉन की 35mm की लेंस है। सबसे अच्छी बात इस कैमरे की यह है, देखिए शुरुआत में मैं स्पेसिफिकेशन नहीं बताने जाऊंगा जैसे कि मोस्ट ऑफ द रिव्यूअर्स यूट्यूब में आपको बताते हैं, क्योंकि उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि इसका लुक, फील और परफॉर्मेंस कैसा है इस कैमरे को अगर आप हाथ में अपने लेते हैं तो मेरा ये अनुभव रहा है इसको यूज़ करने के बाद कि सबसे पहले हम जाएंगे इसके डिज़ाइन पे। डिज़ाइन जो है इसका बहुत ही अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म DSLR यूज़र हैं तो सबसे पहले ही चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो इसकी हैंड ग्रिप है वो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। सेकेंड चीज़ जो सबसे अच्छी है इसकी वो है इसका माउंट, 56mm का माउंट, जो कि कई लोगों को पता नहीं है कि जिसका माउंट है वो सोनी के मिररलेस कैमरे के माउंट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसका एडवांटेज क्या है एक बड़े माउंट होने का इस कैमरे में? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो लेंसेज की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है और इन कंपैरिजन टू द फुल फ्रेम, और ऑलमोस्ट एक आपका F0.95 भी लेंस आने वाला है 50mm का 2019 में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं कुछ दिनों बाद। तो ये कैमरे की जो सबसे बड़ी खासियत है जो निकॉन के DSLR सब तक मिस कर रहे थे वो है हाइब्रिड फोकसिंग। अगर आप स्टिल शूट कर रहे हो या वीडियो बना रहे हो, फोकसिंग इसकी वैसी की ही वैसी ही रहनी है। इसका जो 493 AF पॉइंट्स का सिस्टम है ऑलमोस्ट इन स्क्रीन को इंटायरली कवर किया रहता है। आप स्क्रीन को इस समय देख सकते हैं, इसका स्क्रीन इंटायरली कवर्ड रहता है 493 ऑटो फोकसिंग पॉइंट से। और अगर आप वीडियो बनाएं या स्टिल शूट करें आपको फुल टाइम ऑटो फोकस परफॉर्मेंस मिलनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे अच्छी बात हमको इसकी ये लगी कि इसका जो व्यू फाइंडर का जो लुक एंड फील है वो सोनी के कैमरों A7 III अगर आप यूज़ किए होंगे, A7 II यूज़ किए होंगे तो काफ़ी ही अच्छा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके जो टॉप LCD डिस्प्ले है, अगर मान लीजिए कि आप लॉन्ग टाइम प्रो DSLR यूज़र हैं तो आपको एक हैबिट सी बन जाती है टॉप LCD डिस्प्ले को देखने की, तो इसमें जो है टॉप LCD डिस्प्ले हुआ है दिया हुआ है वो जस्ट लाइक योर ओल्ड DSLRs की तरह है। अगर आप एक प्रोफेशनल शूटर हैं निकॉन के तो इस कैमरे की तरफ आपको तो ज़रूर ही मूव करना चाहिए, और अगर आप किसी और सिस्टम से बिलोंग करते हैं तब भी ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया शुरुआत में ही कि निकॉन के DSLRs जो अब तक मिस कर रहे थे वो क्या था, वो है हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। ये कैमरा जो है आपको 5-axis इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम देता है। आप सोनी की बात कर लीजिए तो सोनी को 3 generations लग गए इमेज स्टेबलाइजेशन को अपने कैमरों में लाने में। A71 की बात करिए, A72 की, A73 की, अभी जो A7 III आया उसके अंदर है 5-axis IS, लेकिन निकॉन का फर्स्ट जनरेशन का कैमरा है ये Z7 और इसके अंदर आपको दिया जा रहा है 5-axis इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप इस मॉडल से शुरुआत भी करते हैं तो नेक्स्ट मॉडल में क्या क्या फीचर आपको मिल सकते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहरहाल यूज़ करने का एक्सपीरियंस इसको बहुत ही अच्छा और बेहद रोमांचक रहा, काफ़ी प्लेजरफुल एक्सपीरियंस है इसके साथ मेरा, और काफ़ी ही अच्छी फीचर्स से कैमरा लबरेज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि कस्टमाइजेशन इसमें ज़बरदस्त है। आपको थोड़ा देर इसके साथ समय बिताना है, टाइम बिताना है, फिर आप देखिएगा इसके कस्टमाइजेशन की लेवल जो कि आपको 100% सेटिस्फाई करेगा अगर आप प्रोफेशनल यूज़र हैं तो। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं यही अंत में बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा था। निकॉन का ये कैमरा काफ़ी ही अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप अपने ओल्ड DSLR लेंसेज के फौज के साथ रहते हैं, मान लीजिए प्रोफेशनल निकॉन DSLR यूज़र हैं तो आपको बस एक FTZ माउंट एडेप्टर ख़रीदना है अपने लिए और उसके बाद आपको अपनी सारी लेंसेस में 493 ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स का सपोर्ट मिलेगा और उसी स्पीड से मिलेगा, उसी एक्यूरेसी से मिलेगा जिस एक्यूरेसी से आप निकॉन की S लाइन ऑफ लेंसेस में आप देखेंगे। तो आइदर आप इसमें F माउंट लेंसेस यूज़ करें या S लाइन ऑफ लेंसेस यूज़ करें, फ़र्क नहीं पड़ना है। इसमें बहुत ही अच्छी फोकसिंग स्पीड आपको मिलती है, आप वीडियो बनाएं या स्टिल शूट खींचें कोई इश्यू नहीं आनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इसका माउंट, जो 56mm का माउंट जो दिया हुआ है
उसमें अगर आप 50mm की f1.8 की लेंस यूज करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक निकॉन D850 कैमरा है, उसमें आप एक लेंस लगा लीजिए 50mm की, 1.4 अपर्चर की लेंस कोई भी लगा लीजिए आप, और इसमें 1.8 की लगाइए, आपको जो रिजल्ट है वो सेम मिलने हैं। वन स्टॉप अपर्चर इसका बेहतर हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी लेंस माउंट बड़ी है, जो ऑप्टिक्स इसके साथ आ रहा है, जो एस लाइन ऑफ लेंसेस, वो बड़ा है, जिसके चलते अपर्चर में आपको एक स्टॉप का फायदा मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। तो आप 1.8 50mm f1.8 जो इसका लेंस आई है, इसके साथ तीन लेंसेस निकॉन ने लॉन्च किए हैं, उसमें से एक है 50mm f1.8। तो अगर आप इसमें 50mm f1.8 की लेंस लगाकर यूज करते हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो कि आप एक फुल फ्रेम DSLR में f1.4 लेंस लगा के पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कैमरा है, और अगर आप अपने फोटोग्राफी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, एक न्यू डायमेंशन पे ले जाना चाहते हैं, तो इस कैमरे के साथ शुरुआत करिए, और अगर आपके लाइनअप में नहीं तो इस कैमरे को जरूर खरीदिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। यूज करने के बाद आपको जरूर पता चलेगा कि वन ऑफ द बेस्ट मिररलेस दैट निकॉन एवर मेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू, एंड डू गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू आर न्यू। थैंक यू वेरी मच।